दोस्तों, आज आपको अट्रैक्शन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, जिसे आप देखकर, सुनकर, समझकर अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आकर्षण कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक आकर्षण, प्रेम आकर्षण, घातक आकर्षण, विषाक्त आकर्षण। हल्की बाहरी स्तर पर दो प्रकार के होते हैं, पहला किसी वस्तु के प्रति आकर्षण, दूसरा शारीरिक आकर्षण। किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होना, आप किसी वस्तु के प्रति कैसे आकर्षित होते हैं, आज आप इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जब हमारे लिए कुछ नया होता है तो हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इसे देखकर हम उस समय हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान उस वस्तु की सुंदरता में खो जाता है। उसे देखकर हमें अच्छा फील होने लग जाता है। अगर आपको कोई ब्यूटी चीज़ दिखे तो वैज्ञानिक प्रमाण, फिर आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसके अलावा कई बार हम ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो हमें अंदर से अच्छा लगता है, हमारे लिए सही है या नहीं, ऐसी चीज़ें देखकर हम आकर्षित होने लगते हैं। और कई बार जो हमारे काम का नहीं होता, हम उसकी ओर भी आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारे भीतर एक छिपा हुआ भय और इच्छा है। जिनके अंदर किसी भी चीज़ की गहरी इच्छा होती है और वे हमारे सामने पूरी हो रही होती है, तो हम उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आप वस्तु के प्रति कैसे आकर्षित होते हैं, यह आपको पता चल गया है कि यदि कोई वस्तु खराब है या फिर यह देखना उतना अच्छा नहीं है और ना ही हमें इसे देखकर अच्छा लग रहा है, तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हमारा ध्यान अक्सर अच्छी चीज़ की तरफ जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। शारीरिक आकर्षण, आइए जानते हैं। देखा जाए तो अपने से बेहतर व्यक्तित्व वाले लड़के या लड़की को देखने पर हम कई बार उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। हमें शारीरिक आकर्षण बहुत पसंद है, क्योंकि इसे देखकर हमें संतुष्टि का एहसास होता है, इसलिए हम अच्छे शारीरिक स्तर को देखकर आकर्षित होने लगते हैं। कई बार हम शारीरिक रूप से कुछ ऐसा देखते हैं कि वही चीज़ हमारे दिमाग में दिन रात दौड़ने लगती है। ज़्यादातर यह किसी खूबसूरत लड़कियों को देखकर ही होने लगता है, या फिर आप किसी को दिल से प्यार करने लगते हैं तब भी आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, या फिर अगर हम मोबाइल में कुछ उल्टा सीधा कंटेंट देखते हैं तो शारीरिक रूप से हम उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। और कभी कभी जब भी आपको किसी से कुछ चाहिए होता है या जब हमारे पास करने को कुछ नहीं रहता, तो फिर हम ऐसी स्थिति में जो देखते हैं उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उससे हमें आनंद मिलता है और जहाँ पर हमें खुशी का एहसास होता है, जैसे कि फिजिकल अटैचमेंट में हमें खुशी की अनुभूति होती है, तो हम उसके प्रति अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और इसके अलावा किसी की गुड पर्सनैलिटी लुकिंग है या फिर किसी की बॉडी शेप देख कर या और किसी से आई कॉन्टैक्ट करके या उसे टच करके या फिर किसी खूबसूरत लड़कियों को देखकर या फिर किसी शर्मीले व्यक्ति को देखकर भी फिजिकल अट्रैक्शन होता है। किसी का अच्छा पहनावा या अलग तरह का पहनावा या खामोश इंसान देखकर भी लोग उसकी तरफ शारीरिक रूप से आकर्षित होने लगते हैं। इसके अलावा शारीरिक आकर्षण में कई चीज़ें आती हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, बॉडी टेक्सचर, चलने का तरीका, यह हमें औरों से अलग बनाता है। और इसके अलावा साफ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छा हेयर स्टाइल रखना आदि। इमोशनल अटैचमेंट, तो आइए जानते हैं, बाहरी सुंदरता ही हमें आकर्षित करती है, लेकिन अंदर से हमारी खूबसूरती क्या है, यह भी हमें बहुत आकर्षित करती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जब भी आप इमोशनल होते हैं तो सामने वाला आपसे या किसी और से बात करता है तो मानसिक रूप से हम उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अगर हम हर बात पर इमोशनल हो जाते हैं तो यह हमें अनाकर्षक बनाता है। यदि हम परिस्थिति के अनुसार भावुक होते हैं तो यह हमें आकर्षक बनाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हमारा शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है और ज़्यादातर मामलों में हमें वह चीज़ मिल ही जाती है, क्योंकि हमारा तन और मन एक ही दिशा में काम करने लगता है, इसलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो भैया हमारे शरीर और दिमाग के स्तर पर हमारे लिए उस काम को करना शुरू कर देता है जिसकी हम कल्पना कर रहे होते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि अगर हम उसकी ओर आकर्षित हों तो हमें वह मिल ही जाए। ऐसा तभी होता है जब हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए अपने शरीर और दिमाग के स्तर पर सही दिशा में काम करते हैं, फिर ऐसी स्थिति में इसे हासिल करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहें तो वह हासिल हो जाती है, लेकिन आपको बता दें कि आकर्षण का नियम इस तरह काम नहीं करता है। जब तक आप इसे पाने के लिए सही दिशा में काम नहीं करते यह हासिल नहीं होता। आकर्षण का विकल्प कानून, तो आइए जानते हैं, अट्रैक्शन का नियम ऐसा नहीं है कि आप बैठकर कुछ भी सोचते हैं और वह होने लगता है। अब यह आपकी पसंद है कि आप किस दिशा में आकर्षण
को अपनी ओर खींचते हैं। बैठने और सोचने से कुछ नहीं होता। भिखारी भी ऐसा सोचता है कि उसे सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिलता। और एक बच्चा जो भूखा है, अगर वह सिर्फ खाना के बारे में सोचता रहता है तो उसे सोचकर खाना नहीं मिलता है। उसके लिए उसे सही दिशा में काम करना होता है। ऐसे ही किसी चीज़ को पाने के लिए हमें तन और मन के स्तर पर वह सही डायरेक्शन में कड़ी मेहनत करनी होती है, तब जाकर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। विषाक्त आकर्षण, यही वो आकर्षण है जो हमें पसंद नहीं है और हम उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे कि हमें जहरीले पदार्थ खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन हमारी आदतों के कारण हम उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे ही जहरीले रिश्तों में रहना पसंद नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हमें ऐसे रिश्ते में रहना पड़ता है क्योंकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं और पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं और इसे प्यार का नाम दे देते हैं। इसका दूसरा चरण कि अगर आपके पड़ोस में या रिश्ते में कहीं भी झगड़े होते हैं तो हम उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि हमारा खुद पर इतना नियंत्रण नहीं होता है ताकि हम खुद को वहाँ आकर्षित होने से रोक सकें। इसे नियंत्रित करने का एक ही तरीका है कि उस माहौल में न रहकर हमें कहीं बेहतर माहौल में रहना शुरू कर देना चाहिए। वहीं जानते हैं घातक आकर्षण के बारे में। जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं तो कई बार आकर्षण इतना अधिक घातक बन जाता है कि हमारे मन में हर समय उससे जुड़े विचार चलते रहते हैं। जैसे एक लड़के और एक लड़की के मामले में, वह अपने दिमाग में सामने वाले को इतना महत्व देते हैं कि इसके अलावा उन्हें कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा होता और यह उनके लिए घातक साबित होता है। प्रेम आकर्षण या अट्रैक्शन इतना खतरनाक है कि जागते सोते समय बस यही नज़र आता है। कई बार लड़के लड़की अट्रैक्शन को प्यार समझने की भूल कर बैठते हैं और इस तरह वे इसमें फंस जाते हैं और उनके लिए इस दौर से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। असल में प्यार वही है जहां एक दूसरे का ख्याल रखा जाए और जहां आज़ादी हो और वहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो। अगर कुछ है भी तो वह ऊपरी स्तर पर वास्तव में कोई लड़ाई नहीं हो रही हो, इसी को एक्चुअल में प्यार कहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें।